नमस्कार, न्यू रेसिपी रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम ये बर्फी बिना मावा, बिना मिल्क पाउडर, बिना ड्राई फ्रूट के बनाएंगे, यानी कि बिना काजू बादाम के भी ये बर्फी बना के तैयार कर सकते हैं। और हाँ, इस मिठाई में आपको कोई चाशनी बनाने का भी झंझट नहीं है, बिना चाशनी के भी ये बर्फी बना सकते हैं। ये बर्फी आप इस तरह एकदम परफेक्ट बनाने के लिए वीडियो को पूरा देखें। बर्फी बनाने के लिए हम यहाँ पर एक कप ये चावल का आटा लेंगे। मैंने ये घर पर पिसा हुआ चावल का आटा लिया है। चावल का आटा थोड़ा सा दरदरा है, इससे बर्फी बहुत ही बढ़िया बनेगी। आपको भी घर पर चावल का आटा तैयार करना है तो आप इस तरह चावल को घर पर भी पीस के तैयार कर सकते हैं। मैं नॉर्मली जो चावल होते हैं वो भी आप पीस के काम में ले सकते हैं। हम यहाँ पर गैस पे कढ़ाई चढ़ाकर इस आटे को थोड़ा भून लेंगे। चावल के आटे को बर्फी बनाने के लिए हम पहले इस तरह भून के काम में लेंगे। इस तरह लगातार चलाते हुए बिना घी तेल के भुनेंगे। आटे को आपको जब तक भूनना है तब तक आटे का हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। आज ये घर की शुद्ध और हेल्दी बर्फी बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, औरों को भी आगे शेयर करें। इसी तरह की और आने वाली नई नई रेसिपीज देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस आटे को मैंने मीडियम गैस पर 3 से 4 मिनट तक लगातार चलाते हुए भुना है। अब इस आटे का थोड़ा कलर भी चेंज हो गया है। आटे को हमें ज्यादा देर नहीं भुनना है क्योंकि आटे का कलर चेंज हो जाएगा तो बर्फी का कलर भी चेंज होगा। आटा हम इस तरह बाउल में निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में यहाँ पर 2 कप दूध लेंगे। बर्फी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर फुल फैट दूध लिया है, यानी कि मलाई सहित ही दूध लिया है। इसी में हम ये 2 कप भी दूध डाल देते हैं। हम इस बर्फी में मिल्क पाउडर ऐड नहीं करेंगे, आप चाहे तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। दूध में उबाल आ रही है तब तक हम कुछ एक चीजें और तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ये 1/2 कप नारियल का बूरा लिया है। बुरे को हम मिक्सी में पीस के लेंगे तो इसी के साथ 1/2 कप ये चीनी भी पीस लेते हैं। दूध हमारा अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें ये पिसा हुआ नारियल और चीनी ऐड करेंगे। आप चाहे तो चीनी साबुत ही ले सकते हैं, पर मैंने नारियल पिसा तो साथ में ये चीनी पीस ली थी। पिसी हुई चीनी बहुत ही जल्दी घुल जाती है। बर्फी में मैंने नारियल का बूरा लिया था। आपको यदि नारियल का बूरा पसंद नहीं है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट पीस के ले सकते हैं। नारियल का बूरा ऐड करने की वजह से दूध हमारा थोड़ा गाढ़ा हो गया है। बर्फी में दूध हमें ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। इस समय दूध में हम ये घी ऐड करेंगे। घी यहाँ पर 2 चम्मच घी लेंगे। घी की वजह से बर्फी में शाइनिंग अच्छी आती है। अब हम इसमें कुटी हुई इलायची भी डाल देते हैं, चाहे तो इसमें गुलाब जल और अपनी पसंद का कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। और हाँ, आपको यदि किसी और कलर की बर्फी बनानी है तो आप यहाँ पर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम कम करके इसमें ये भुना हुआ चावल का आटा डाल देते हैं। ये आटा आपको इस तरह लगातार चलाते हुए मिक्स करना है। गैस की आंच भी हमें कम कर लेनी है ताकि आटे की गुठलियां ना पड़े। गैस की आंच कम करके आप इस तरह लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे तो बिल्कुल ही गुठलियां नहीं पड़ेगी। बहुत ही जल्दी ये चावल का आटा दूध सोख लेता है। बर्फी में आपको एकदम मावे वाला फ्लेवर लाना है तो आप यहाँ पर 1/2 कप मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। कुछ एक देर में ये आटा पूरी तरह से दूध सोख लिया है, यानी कि बर्फी सेट करने के लिए एकदम परफेक्ट है। आप भी ये बर्फी बनाते समय किसी कटोरी या कप सेट कर लें ताकि ये बर्फी एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो। बहुत ही कम घी में आप इस तरह बर्फी बना सकते हैं। अब हम बर्फी सेट करने के लिए यहाँ पर थाली में थोड़ा सा घी लगा के लेंगे। लगाई हुई थाली में हम ये सारा मिश्रण डाल देंगे। किसी भी ट्रे या टिफिन बॉक्स में भी ये बर्फी सेट कर सकते हैं। इस तरह ये बर्फी हम तुरंत ही जमा देंगे, नहीं तो ये मिश्रण ठंडा होने के बाद सेट होने लग जाता है। यहाँ पर इस समय हम बर्फी को इस तरह चम्मच की सहायता से अच्छे से सेट कर देंगे। बर्फी मैंने चीनी डाल के बनाई है। आप यदि चीनी खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसमें मिश्री भी ले सकते हैं। मीठा आप अपने स्वाद अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये बर्फी सेट होने के लिए आप 10-15 मिनट फ्रिज में और 1/2 घंटा बाहर भी रख सकते हैं। ये मिठाई 30 मिनट तक रूम में रख दी थी। 30 मिनट बाद ये बर्फी अच्छे से सेट हो गई है। यहाँ पर आप अपनी मनपसंद किसी भी शेप में कट कर सकते हैं। तरीके से आप यदि ये चावल की बर्फी बनाएंगे तो इसमें चावल का फ्लेवर बिल्कुल भी नहीं आएगा क्योंकि हमने इसमें इलायची पाउडर और थोड़ा सा नारियल का बूरा डाला था। साइड में कट लगा के हम इस तरह से निकाल लेंगे। आप भी ये बर्फी बनाते समय कुछ एक बातों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बर्फी भी इस तरह एकदम परफेक्ट बनेगी। जैसे आप ये चावल का आटा भूनते समय आटे का कलर ज्यादा चेंज नहीं करेंगे तो बर्फी आपकी भी इस तरह एकदम सफेद बनेगी। लग रही है ना, एकदम मावे वाली बर्फी। बिना मावे की भी आप मावे की बर्फी बना के तैयार कर सकते हैं। ये बर्फी बनाने के लिए आपको बाजार से कुछ भी स्पेशल खरीद के लाना नहीं पड़ेगा।
जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप इस तरह कम घी में ये मिठाई बनाइए, खाइए और अपने अनुभव कमेंट करके जरूर बताइए। फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।